दुर्ग के 114 वर्ष पुराने जेआरडी स्कूल का करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। शहर विधायक और महापौर ने भूमि पूजन भी किया। दुर्ग शहर के 114 वर्ष पुराने झाड़ूराम देवांगन शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का अब 1.5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के हाथों संपन्न किया गया। गौरतलब है कि शहर विधायक अरुण वोरा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्राचीन स्कूल के उन्नयन के लिए राशि की मांग की थी, जिसे पूरा करते हुए डीएमएफ फंड से 1.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि स्कूल के जीर्णोद्धार से 1350 विद्यार्थियों को व स्कूल स्टाफ की शिक्षक शिक्षिकाओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेआरडी स्कूल के उन्नयन के साथ ही इसे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में पहचाना जाएगा। भूमि पूजन के दौरान स्कूल स्टाफ के साथ निगम के एमआईसी सदस्य शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर मिला और नेतृत्व करने के साथ ही हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी जो पूरे प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सामने हमने दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की मांगों को रखा जो कार्य 15 साल से नहीं हो रहे थे, उन कार्यों को 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरा किया है। यहाँ पर आज गवर्नमेंट स्कूल झाड़ूराम देवांगन स्कूल जो यहाँ पर स्थापित है, काफ़ी प्राचीन स्कूल है जिसका 116 साल का इतिहास है, उस स्कूल के संधारण के लिए लगभग 1.34 करोड़ रुपये की राशि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत कराई और 4 करोड़ रुपये जो शेष राशि है कुल 4 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। बाकी राशि उसका भूमि पूजन हमने किया। दूसरा, अभी बजट में विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि शिवनाथ नदी दुर्ग की बहुत ही प्राचीनतम नदी है और जीवनदायिनी है, दुर्ग भिलाई के लोगों का कंठ इतिहास बुझाती है, यहाँ पर एक मनोरंजन स्थल और पिकनिक स्पॉट बनना चाहिए, लक्ष्मण झूला की यहाँ आवश्यकता है। उन्होंने बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, न केवल प्रावधान बल्कि उसे मंजूरी भी दी। खगड़ा बांध का निर्माण किया जा रहा है 14 करोड़ की लागत से। दुर्ग में ये 64 करोड़ का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, सड़क का चौड़ीकरण और 64 करोड़ सौंदर्यीकरण, शंकर नाला के निर्माण ऐसे शंकर नाला जो लगभग 14 करोड़ की लागत से बन रहा है, डाइवर्सिटी पार्क जो 250 एकड़ में फैला हुआ है, ये ऐसे कार्य है जो 15 साल तक दुर्ग के मतदाता भूल गए थे कि ऐसे कार्य भी सरकार कर सकती है। तो सरकार आने के बाद हमने इन कामों को अंजाम दिया है, लगभग ये कार्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे आवश्यकता होगी शहर की उस आवश्यकता की पूर्ति हम लोग करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।